हेलो फ्रेंड, माय सेल्फ एजे। आज हम देखने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट वर्किंग विद द फाइल। इन द लास्ट चैप्टर, इन द लास्ट सेशन हमने देखा था वर्किंग विद द फाइल विद अपलोडिंग फाइल, हम फाइल किस तरह से अपलोड कर सकते हैं एंड सेम उसके अंदर कौन कौन से मेथड कंस्ट्रेंट, ओके, ये सारी चीजें हमने देखे थे, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, सेम यहाँ पे हम देखेंगे। बट जो डाउनलोडिंग फाइल होगा वो कंसेप्ट थोड़ा सा शॉर्ट में होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। डाउनलोडिंग फाइल क्या होता है? डाउनलोडिंग फाइल सिंपली कंसेप्ट है कि ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब हम सभी ने इस कंसेप्ट को देखा होगा, कभी ना कभी यूज किया होगा। तो डाउनलोडिंग फाइल इज वेरी पॉपुलर टास्क ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे कि पूरे इंटरनेट के ऊपर, जैसे कि हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई टास्क परफॉर्म होता है कि फाइल डाउनलोडिंग। ओके, फाइल डाउनलोडिंग आप कौन कौन से फाइल डाउनलोड करते हो? इमेज फाइल डाउनलोड करते हो, ऑडियो वीडियो मल्टीपल फाइल्स डाउनलोड करते हो। तो उस डाउनलोडिंग कंसेप्ट के लिए इन द सेंस ऑन सर्वर, सर्वर से कोई फाइल डाउनलोड किस वे से हो सकती है, कि उसके अंदर क्या क्या सिनारियो हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे डाउनलोडिंग फाइल के अंदर देखेंगे। कि डाउनलोडिंग इन द सेंस क्या हो रहा है कि जो हमारा सर्वर होगा, सर्वर के सिस्टम से एक फाइल स्पेसिफिकली हमारे सिस्टम के अंदर फाइल ट्रांसफर प्रोसेसिंग होने वाला है। तो यूजर क्लिक ऑन अ डाउनलोड लिंक एंड गेट्स डाउनलोड इन टू देयर कंप्यूटर। जब भी कोई यूजर स्पेसिफिक फाइल के ऊपर क्लिक करेगा, आफ्टर दैट क्लिक इवेंट, जिसके अकॉर्डिंगली जो भी हमने कंडीशन दी होगी, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो भी फाइल सिलेक्ट हुए वो फाइल वहां पे डाउनलोड हो जाएगी। इट्स सिंपल। कितना सिंपल हमारा डाउनलोडिंग फाइल का कंसेप्ट है कि सिंपल आपको एक स्पेसिफिक जो हाइपर लिंक होगा पेज के ऊपर, जो भी हमने लिंक दी होगी, तो उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली जो आपकी फाइल है वहां पे डाउनलोड हो जाएगी। तो टेक्निकली डाउनलोड कैन बी अचीव बाय यूजिंग आइदर फॉलोइंग टू मेथड। इसके अंदर दो मेथड मेनली इन्वॉल्व होते हैं, तो फर्स्ट डायरेक्ट लिंक एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट लिंक। क्या होता है डायरेक्ट लिंक एंड क्या होता है इनडायरेक्ट लिंक, एक ब्रीफ में थोड़ा सा ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन होने वाला है। तो वाया ब्रीफ इंफॉर्मेशन हम देखते हैं कि डायरेक्ट लिंक क्या है एंड जो इनडायरेक्ट लिंक क्या है। के डाउनलोड फाइल यूजिंग एंड डायरेक्ट लिंक, ओके, सिंपल डायरेक्ट लिंक नेम सजेस्ट हो रहा है कि जैसे जो भी आप फाइल डाउनलोड करोगे या लिंक के ऊपर क्लिक करोगे उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्टली फाइल डाउनलोड होने वाले, दैट इज एन डायरेक्ट लिंक। दिस टाइप ऑफ लिंक डायरेक्टली पॉइंट टू द फाइल ऑन अ सर्वर, जो स्पेसिफिकली फाइल हमारे सर्वर के ऊपर प्रेजेंट है उसी फाइल को ये क्या करेगा यहाँ पे शो करने वाले ऑन अ क्लिक ऑफ मोमेंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते कि हमने एग्जाम्पल लिया जैसे कि http://www.shara.com/download-book-pdf की स्पेसिफिकली वेबसाइट है शारा की। के शारा वेबसाइट के ऊपर डाउनलोड हमने क्या किया है, डायरेक्टरी क्रिएट की है, फोल्डर क्रिएट किया है एंड उसके अंदर बुक का जो पीडीएफ या क्वेश्चन आंसर जो भी आपको पीडीएफ होगा वहाँ पे उस डायरेक्टली आपको डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं? तो सिंपली द काइंड ऑफ लिंक रिक्वायर नो एडिशनल एफर्ट्स टू सर्वर साइड, कि सर्वर साइड के ऊपर हमें कोई भी एडिशनल एफर्ट्स यहाँ पे देने की जरूरत नहीं, कि डायरेक्टली वाया क्लिक के नॉन लिंक ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड होने वाले, उसके लिए कोई भी एडिशनल वर्क करने की जरूरत नहीं है। दिस फॉर्म मे पोज द सिक्योरिटी थ्रेट बिकॉज ऑफ द सर्वर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैन बी गेस बाय लुकिंग एट द लिंक। स्पेसिफिकली अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जस्ट लाइक कुछ थ्रेड्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, थ्रेड्स क्रिएट हो सकते हैं। क्यों? कि बिकॉज ऑफ जस्ट लाइक जो हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल के अंदर जो भी डायरेक्टरी दी गई है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि जस्ट लाइक www.shara.com एक हमारा वेबसाइट है, उसके अंदर डाउनलोड नाम का फोल्डर है एंड उसी फोल्डर के अंदर जितने भी नंबर्स ऑफ बुक्स, क्वेश्चन आंसर्स या जो भी है, सारी चीजें आपके उस डाउनलोड फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है। सो सिंपली किसी ने डाउनलोड फोल्डर के साथ कुछ मिसमैच कर दिया, सो ऑटोमेटिकली उसका पूरा डेटा वेबसाइट का वहाँ पे चेंज होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंगली कि जो भी हैकर हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, वो क्या कर सकता है, इसको गेस कर सकता है, इजिली गेस कर सकता है। तो उस रीजन की वजह से क्या है कि डाउनलोड डायरेक्ट लिंक यहाँ पे थोड़ा सा
इनसिक्योर है, ओके, अनसिक्योर है, अनसिक्योर होने की वजह से हम इसको थोड़ा सा यूज कम करेंगे, ओके. इसके लिए हमने क्या किया, सेकेंड जो मेथड है कि सेकेंड मेथड इन्वॉल्व किया, सेकेंड मेथड को हम यूज करेंगे, दैट इज एन इनडायरेक्ट लिंक. इन इनडायरेक्ट लिंक दिस टाइप्स ऑफ लिंक एक्चुअली पॉइंट टू प्रोग्राम ऑन अ सर्वर. स्पेसिफिकली जो लिंक होगा हमारा, उसके ऊपर हमें क्लिक करने के बाद स्पेसिफिकली जो प्रोग्राम होगा, ओके, इन अ फॉर्म ऑफ सर्वलेट के अंदर हो सकता है, HTML, टेक्स्ट, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है सर्वर के ऊपर प्रेजेंट, उसके अकॉर्डिंगली कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज ऑथेंटिकेशन पर्पज. स्पेसिफिकली आपने एक लिंक के ऊपर क्लिक किया एंड देन वो क्या होता है, रीडायरेक्ट होता है, आपको ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन पूछता है, या जस्ट लाइक आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, या कोई अल्टरनेटिव अकाउंट फॉर एन लॉग इन एंड ऑथेंटिकेशन पर्पज. तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, फर्स्ट ऑथेंटिकेशन होता है आप एक्चुअल यूजर हो कि नहीं, ओके. तो उसकी उसी वे से हम क्या कर सकते हैं, इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं एंड इनडायरेक्ट लिंक यहाँ पे क्या है, सिक्योरली हम यूज कर सकते हैं, ओके. और एक चीज इसके बारे में बोल सकते हैं, दैट इज एन दिस फॉर्म ऑफ में इम्प्रूव अ सिक्योरिटी सिंस द एक्चुअल लिंक इज हिडन फ्रॉम एंड यूजर. जो एक्चुअल लिंक होते हैं, जो जैसे कि हमने बोला था कि गेसेबल लिंक होती है, तो गेसेबल लिंक यहाँ पे क्या होती है, हिडन फ्रॉम यूजर. तो जो यूजर को शो नहीं होती, यूजर को डायरेक्टली वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी आफ्टर द ऑथेंटिकेशन पर्पज, या ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होने के बाद, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे क्या होने वाला है, फाइल डाउनलोड होने वाले एंड जो यूजर है उसको यूज कर सकता है. इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के अंदर सिंपल कि डायरेक्ट के अंदर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, एंड इनडायरेक्ट इन द सेंस फर्स्ट आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड उसके बाद आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो. इसके लिए हम इनडायरेक्ट लिंक का एग्जाम्पल नहीं दे सकते क्योंकि अकॉर्डिंग टू एवरी वेबसाइट वो डिफरेंट लिंक हो सकती है, कि जस्ट लाइक मैंने कोई भी प्रोग्राम की जस्ट लाइक मैंने कोई ऑथेंटिकेशन दिया कि जैसे गूगल लॉग इन दिया है, फेसबुक लॉग इन दिया है, इंडीड लॉग इन दिया, कि मन नंबर ऑफ डिफरेंट सर्वर्स हो सकते हैं, कि अकॉर्डिंग टू डेवलपर, ओके, डेवलपर के अकॉर्डिंगली वो क्या कर सकता है, डिफरेंट यहाँ पे ऑथेंटिकेशन या सिक्योरिटी मॉड्यूल अप्लाई कर सकता है एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे फाइल शो हो जाएगा. कि फॉर एग्जाम्पल एक बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ऑल ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट कैटेगरी से हम सब बिलोंग करते हैं, सो उसके अकॉर्डिंगली फॉर अ रिजल्ट के बेस्ट एग्जाम्पल, कि जब भी आप कोई भी रिजल्ट आपका डाउनलोड करने जाते हो, तो फर्स्ट आपका रोल नंबर, देन मदर नेम या डेट ऑफ बर्थ, के ऐसे मल्टीपल्स कॉम्बिनेशन वाली इंफॉर्मेशन आपसे ली जाती है, एंड देन जो आपका स्पेसिफिकली रिजल्ट होगा या आपकी इंफॉर्मेशन होगी वहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगी एंड आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो. ओके, इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इनडायरेक्ट लिंक. कि आप सभी ने देखा होगा रिजल्ट को डाउनलोड किया होगा, या मल्टीपल एग्जाम्स हम देते हैं कि डिफरेंट एग्जाम देते रहते हैं, तो उस एग्जाम के सिनारियों के अंदर ये सारी चीजें आपने देखी, दैट इज एन इनडायरेक्ट लिंक. के कंसेप्ट क्लियर हो गया सबका. इफ आपको कोई भी क्वेरी, डाउट, सजेशन होगा इस वीडियो के रिगार्डिंगली, सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. इफ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड सिमिलर नेक्स्ट वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन जो बेल आइकॉन आपको दिख रहा है उसको क्लिक कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.